वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग, आम आदमी को खिदमात की मौसर और फौरी फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ, शरपसंदों, ज़खीरांदोज़ों और कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले का ऐलान, 17 अजला में 29 मई को पोलिंग होगी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, नैया, खानेवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर के अजला शामिल। साहिवाल, पाकपतन, टोबाटेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, जेहलम और अटक में भी बलदियाती इंतखाबात पहले मरहले में होंगे। शफाफ इलेक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नागुजीर, पिशावर मेयर के इंतखाब में 23,113 वोट मुस्तरद हुए, जीतने का फर्क सिर्फ 12,087 था। इंतखाबी नतायज में हेराफेरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। ख्वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ही तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल की जा सकती है। विरासती हुकूक के लिए मौजूदा हुकूमत ने ठोस इकदाम किए, इस्लाम में हुजूम के हाथों मामलात के फैसले का कोई तसव्वुर नहीं, उलमाए कराम शऊर उजागर करें, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। अटॉर्नी जनरल का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के जायजे के लिए डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया, पाकिस्तानी डॉक्टर्स नवाज शरीफ की सेहत की तस्दीक चाहते हैं, 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान मुलाकात के लिए वक्त दिया जाए, नवाज शरीफ के मुआलिज को खत। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जायदादों के ज़राए आमदन के हवाले से जवाब तलब कर लिया, कानून सबके लिए बराबर है, अदालत आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार देने के मामले का जायजा लेगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाबडा की ताहियात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के पाबंद हैं, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला। खानी होने वाली सेनेट की नशस्त पर इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी। पीपल्स पार्टी नेशनलाइजेशन ना करती तो आज हम आलमी इक्तसादी ताकत होते, रजा रब्बानी जैसे बुजुर्ग मोहरों के मशवरों ने मुल्की इदारों का बेड़ा कर किया, ये लोग अभी तक मार्क्सिज्म में फंसे हैं, वजीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। चोरियां मुश्तरक हों तो बाहमी इख्तलाफात पीछे रह जाते हैं, अलीबाबा 40 चोर सड़कों पर घसीटने, पेट फाड़कर लूटी हुई रकम बरामद करने के दावेदार, शहबाज शरीफ आज कहां खड़े हैं, वजीर मामलकत इत्तलात फर्रुख हबीब। आलमी इदारे सेहत का 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन खुराकें लगाने पर पाकिस्तान को खराज तहसीन, पंजाब के तमाम स्कूल मुकम्मल हाजिरी के साथ खुल गए, 24 घंटे में 2,465 नए केस रिपोर्ट, मौलिक वायरस ने मजीद 49 अफराद की जान ले ली। भारत में हिजाब के खिलाफ हिंदुत्व इंतहा पसंदी, हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने वाली तालिबात के लिए अलग क्लासरूम बना दिया गया, वालदैन की शदीद मजम्मत, मुसलमान तालिबात इम्तिहानात छोड़ने पर मजबूर। इंसानी हुकूक और सहाफियों की 58 तंजीमों का मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत, नजरबंद कश्मीरी सहाफियों फाहद शाह, आसिफ सुल्तान, सज्जाद गुल और मनान गुलजार की रिहाई का मुतालबा, मकबूजा इलाके में सहाफियों को गिरफ्तार और हिरासा करने के वाकयात आम हो चुके हैं। खटमंडू में यूरेनियम रखने के इल्जाम में 2 भारतीयों समेत 8 अफराद गिरफ्तार, मवाद को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के लिए भारत से नेपाल लाया गया था, भारतीय बाशिंदे यूरेनियम की 35 करोड़ रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे, पुलिस हुक्म। काबुल में हजारों शहरियों का अमरीका की जानिब से असासे बहाल न करने पर एहतजाज, जंग जदा मुल्क के 9 अरब डॉलर के मुंजमद असासे फौरी तौर पर अफगानिस्तान को वापस किए जाएं, बैनर्स और प्लेकार्ड्स पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज।
रूस जंग नहीं चाहता, यूरोप के साथ सिक्योरिटी तनाजात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। मॉस्को में रूसी सदर की जर्मन चांसलर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। रूसी हमले का खतरा अब भी मौजूद, तहम सिफारतकारी से मामला हल करने को खुश आमदीद कहा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और मानसेहरा की वादी पखल में मुख्तलिफ इंसानी तारीख से ताल्लुक रखने वाले 5 पेशावराना अद्वार की दरियाफ्त। कदीम सिक्के, हड्डियां, पोस्ट, पत्थर की मोहरें, ईंटों के सांचे और लोहे की मुख्तलिफ अशिया शामिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में लोग ये क्यों समझते हैं कि लड़कियों की जिंदगी का मकसद शादी करना और घर की जिम्मेदारियां पूरी करना है और उनकी नौकरी या कारोबार करने को तनकीद की नजर से देखा जाता है। ये सोच लड़कियों की तालीम और तरक्की में हायल होती है और उनको तालीम और नौकरियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। इससे नुकसान सिर्फ उनका नहीं, उनके घर का, खानदान का और माशरे का भी होता है। और ये बात भी सोचिए कि हमारा मजहब और मुल्क की आइन, उसके मुताबिक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए तालीम हासिल करना जरूरी है। तो आइए इसको यकीनी बनाते हैं और अपनी बच्चियों को खुद मुख्तार बनाते हैं। सहूलत का नया दौर, नेशनल सेविंग्स यूनियन पे डेबिट कार्ड। महाना मुनाफा अब आपके हाथ में। नेशनल सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, उसे अपनी महाना मुनाफा स्कीम से मुंसलिक करें और यूपीआई डेबिट कार्ड हासिल करके किसी भी एटीएम से रकम बआसानी निकलवाएं या शॉपिंग के लिए पीओएस पर इस्तेमाल करें। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान का इलाका है बुलेदा, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया है। इसमें मुतअद्दिद दहशतगर्दों के हलाक होने की, उनके जान के हलाक होने की इत्तला सामने आई है। बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। नुमाइंदा PTV न्यूज राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ मौजूद है। शहजादुस्सलाम, क्या अपडेट है आपके पास? जी, ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके बुलेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों ने फरार होने की कोशिश की और शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 6 दहशत गर्द मारे गए। मैं आपको बताता चलूँ कि ISPR के मुताबिक ये वही दहशत गर्द हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो केच में चेक पोस्ट पर हमला किया था, खुदकुश हमला भी किया था। तो ये इस दहशतगर्दी के वाकये में भी मतलूब थे। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया है। ISPR के मुताबिक मुसल्ला अफवाज पाक वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुकम्मल पुरजम है और बलूचिस्तान के अमन को किसी को भी सबोताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान का इलाका है बुलेदा, जहां पर इत्तलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है पंजाब में आम आदमी को खिदमात की मौसर और फौरी फराहमी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। लाहौर में वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम के जान माल और मफादात के तहफ्फुज़ के लिए शरपसंदों, ज़खीरांदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आला ने तरक्याती मनसूबों और सूबे के मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नए अस्पतालों की तामीर और नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के शानदार पजीराई के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम मनसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि आगाही मुहिम के जरिए सेहत कार्ड के फवायद और मौसर इस्तेमाल के बारे में आवाम को आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए निचली सतह पर कारकुनों को मुतहर्रिक और अवामी राबता मुहिम को तेज़ किया जाए।
उन्होंने ये बात लाहौर में सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद से मुलाकात में कही। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर बल्दियात ने वज़ीर आज़म से सूबे में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इनेकाद का ऐलान किया है। सूबे के 17 अज़ला में 29 मई को अवाम निचली सतह पर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास में सूबा पंजाब में दो मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में सूबे के जिन अजला के अवाम अपने लिए बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे उनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया खानेवाल, विहाड़ी बहावलपुर, साहिवाल पाकपतन, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेलम और अटक शामिल हैं। लाहौर समेत दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद दूसरे मरहले में किया जाएगा। 29 मई को पंजाब के 17 अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। तारीख में पहली दफा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वीएन के मुताबिक पंजाब के आवाम जो है बराह रास्त अपने अजला के जो सरबराह और मेयर हैं उनको मुंतखब करेंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को आईनी तकाजों से हम आहंग करने के लिए मौसर कानून साजी की है। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर किए जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स का क्याम अमल में लाया जाएगा। नुमाइंदे अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट मेयर का बराह रास्त इंतखाब कर सकेंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेयर पेशावर के इंतखाब में मुस्तरद किए गए वोटों का हवाला देते हुए कहना है कि वाज़े हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ज़रूरत को दुरुस्त साबित कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने एक ट्वीट में शफाफ इलेक्शन के लिए ईवीएम को नागुज़ीर करार देते हुए कुछ आदाद व शुमार भी सामने लाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में डबल स्टैम्प्स और दीगर वजूहात की बिना पर मुस्तरद शुदा वोटों का मसला संगीन सूरत में सामने आया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग के बाद वोटों को मुस्तरद करके इंतखाबात के नतायज में हेरा फेरी की जाती है। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2013 के इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से पेशावर के मेयर के इंतखाब में मुस्तरद होने वाले वोटों का डेटा भी शेयर किया जिसमें बताया गया है कि मुस्तरद वोटों का फ़र्क जीतने वाले उम्मीदवार की कुल बर्तरी से ज़्यादा था। डेटा से साबित हुआ है कि इलेक्शन में 23,113 वोट मुस्तरद हुए जबकि जीतने वाले उम्मीदवार की कुल बर्तरी 12,087 वोट थे। सियासी हलकों और इंतखाबी माहरीन ने भी इलेक्शन में शफाफियत और वोटिंग के अमल में शकूक व शुबात दूर करने के लिए तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है जो आज के जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से ही मुमकिन है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि सिन्फी इम्तियाज जैसे रवैयों का तदारुक माशरे की जिम्मेदारी है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाकर ही तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल की जा सकती है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे इकरामुल्ला महसूद। ऐवान सदर इस्लामाबाद में ख़वातीन के मलकियती हकूक से मुतलिक कानून साजी के नफाज के लिए आगही महम की तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ख़वातीन के हकूक और सिन्फी मुसावात से मुतलिक शऊर उजागर करने के लिए मीडिया खसूसी किरदार अदा करे। माशरे की इसलाह के लिए मेम्बर व मेहराब का किरदार कलीदी है। उलमाए किराम इस बारे में आगही पैदा करें कि इस्लाम में कहीं भी हुजूम के हाथों मामलात का फैसला करने का कोई तसव्वुर नहीं। मस्जिद और मिंबर से जो आवाज़ जाती है इस्लाह की वो बड़ी ताकतवर है। वो कोई सेकुलर अंदाज से या किसी और तरीके से वो बात नहीं पहुंचती, वो पुलिस के ज़रिए नहीं पहुंचती, वो मस्जिद और मिंबर के ज़रिए हमने बहुत सारी कामों के अंदर एक कोऑपरेशन हासिल किया है जो बेहतरीन कोऑपरेशन है। उनकी ख्वाहिश भी यही है, यानी ये वो कैफियत नहीं है कि हम कह रहे हैं तो आप करें, ये वो कैफियत है जिसके अंदर कुरान और सुन्नत के हवाले से वो खुद भी इतने ही बेचैन है। कानून और इंसाफ के वजीर बैरिस्टर फरोग नसीब ने कहा कि ख्वातीन के मलकियती हकूक के कवानीन के मुताबिक हर औरत अपनी जायदाद को महफूज रखने का हक रखती है। उन्होंने कहा कि अब ख्वातीन को अदालतों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।
कानून और इंसाफ की पार्लियामानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने कहा कि खवातीन की जायदाद का तहफ्फुज तहरीक इंसाफ के मंशूर में था। वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इन कवानीन का निफाज हो चुका है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज और सेक्रेटरी कानून और इंसाफ राजा नईम अकबर ने भी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर दस्तावेजी फिल्म पेश की गई, जिसमें फरसुदा रसूमात के खात्मे और माशरे में मुतल्लिका कानून साजी के हवाले से शऊर को उजागर किया गया। जायदाद के मलकियती हुकूक से मुतल्लिक कवानीन का निफाज खवातीन को बाख्तियार बनाने में अहम संगेबील साबित होगा। इकरामुल्ला महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने नवाज शरीफ की सेहत की तस्दीक और तिब्बी रिकॉर्ड के जायजे के लिए उनके मौलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को मरासला लिखा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के जरिए अरसाल किए गए मरासले में डॉक्टर डेविड लॉरेंस से इस्तफसार किया गया है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स इनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का कब जायजा ले सकते हैं। ये मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान रखने की तजवीज़ देते हुए मुतल्लिका तारीख से 4 रोज कबल आगाह करने का कहा गया है। मरासले के मुताबिक पाकिस्तानी नामजद डॉक्टर मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बगैर खसूसी मेडिकल बोर्ड सफर करने के तनाजुर में नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई राय देने से कासिर है। मरासले में बताया गया है कि यह कार्रवाई मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में कराई गई यकीन दहानी की रोशनी में की जा रही है। इससे कबल अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को भी मरासला अरसाल किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अदालत आगा सिराज दुरानी के घर को जेल करार देने के मामले का भी जायजा लेगी। आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि ताज्जुब है नैब ने रेफरेंस में करोड़ों रुपए मालियत की शॉर्ट गन्स को शामिल नहीं किया। हॉलैंड एंड हॉलैंड शॉर्ट गन की कीमत आज करोड़ों रुपए में है। अदालत ने आगा सिराज दुरानी की शहरों में खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदन के हवाले से जवाब तलब किया है। समाप्त कल फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल बावड़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का इलेक्शन कमीशन और ये अदालत पाबंद है। फैसल बावड़ा तवील अरसे तक कमीशन और कोर्ट के सामने ताखीर करते रहे और शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। उनकी जिम्मेदारी थी कि मजाज अथॉरिटी से दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेकनीयती साबित करते। दरख्वास्त गुजार का अपना कंडक्ट नाअहली का बायस बना। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावड़ा की नाअहली से खाली होने वाली सीट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इस नशिस्त पर पोलिंग 9 मार्च को सिंध असेंबली में होगी। उम्मीदवार 17 से 19 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। 24 फरवरी को इन कागजात की जांच पड़ताल होगी। स्क्रूटनी से मुतालिक फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत 28 फरवरी तक होगी। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने 70 की दहाई में नेशनलाइजेशन ना की होती तो आज हम आलमी इक्तसादी ताकत होते। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि रजा रब्बानी जैसे बजर्ज महरों के मशवरों ने मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि रजा रब्बानी कहते हैं PIA के अलावा किसी एयरलाइन को अंदरूनी मुल्क परवाजों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये लोग अभी तक मार्क्सिज्म में फंसे हुए हैं। जब चोरियां मुश्तरक हों तो बाहमी इख्तलाफात पसे पुश्त हो जाते हैं। अली बाबा 40 चोर सड़कों पर घसीटने, पेट फाड़ कर लूटी हुई रकम बरामद करने के दावेदार शहबाज शरीफ आज कहां खड़े हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर वज़ीर मुमलिकत इत्तला'आत फर्रुख हबीब ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर मुकदमे बनाने वाले इमरान खान नहीं बल्कि नवाज और शहबाज शरीफ थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौकरियाँ फरोख्त की, स्टूडेंट यूनियन में गुंडागर्दी, कत्ल गारत और बदमाशी का कल्चर मुतारफ़ कराया। फारूक हबीब ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब मजाक बन चुका है। पीपल्स पार्टी ने अपने किसी भी दौरे हुकूमत में इस पर अमल नहीं किया। आर्मी इदारा सेहत ने कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली को एक बार फिर सराहा है। पंजाब के तमाम स्कूल्स मुकम्मल हाजिरी के साथ खुल गए। मुल्क में मोहलिक वायरस ने मजीद 49 अफराद की जान दे दी। तफसीलात बता रहे हैं राना शहजाद।
पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल आम शेड्यूल के मुताबिक 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने अपने एक ट्वीट में स्कूलों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम स्कूलों को SOPs का पाबंद बना दिया गया है और 12 साल तक के तलबा की वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजीद 49 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में कुल अमवात की तादाद 29,877 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 49,553 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,465 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना के 590 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे भर में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई शरह 2.8% रिकॉर्ड की गयी। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8, रावलपिंडी में 3.3, फैसलाबाद में 2.9, मुल्तान में 1.8 और गुजरावाला में 1.0% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से मजीद 14 अफराद जान बहक हो गए। सूबे में कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,167 हो गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.5% तक पहुँच गयी है। आलमी अदारा सेहत की कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाओ पाकिस्तान बचाओ मुहिम के तहत मुजफ्फराबाद में लोगों में मास्क तकसीम किए गए। आलमी अदारा सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का कोरोना से बचाव के लिए रद्द अमल बहुत जबरदस्त रहा। उनके इदारे ने पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि कुछ मुल्कों में वैक्सीनेशन की बुलंद शरह और ओमिक्रोन के ज्यादा मोहलिक न होने की वजह से वबा खत्म होने का तासुर देना गलत है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने WHO के इस साल के वस्त तक हर मुल्क की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने के हदफ की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा, न्यूजीलैंड और फ्रांस के बाद बेल्जियम में भी वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। फ्रीडम कानवाय के बायस दारुल हुकूमत ब्रसल्स में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मुजाहरीन ने ऐलान कर रखा है कि वो यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मौजूद यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस का घेराव करेंगे। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबर दें आपको कश्मीर के हवाले से। ह्यूमन राइट्स वॉच, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत 58 इंसानी हकूक और सहाफती तंजीमों ने भारतीय हुकाम पर जोर दिया है कि वह नज़रबंद कश्मीरी सहाफ़ियों फहद शाह, आसिफ सुल्तान, सज्जाद गुल और मन्नान गुलजार को फौरी रिहा करें। KMS के मुताबिक नई दिल्ली के मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखे गए खत में सहाफ़ियों के खिलाफ हर किस्म की पुलिस तहकीकत खत्म करने का भी मुतालबा किया गया है। तंजीमों का कहना है कि आज़ादी सहाफत और इंसानी हकूक के ग्रुपों ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से मकबूजा इलाके में सहाफ़ियों को गिरफ्तार और हिरासत किए जाने के मुतद वाक़ात की निशानदेही की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह और नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगाम में अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी आवाम को दरपेश मुश्किल के खात्मे के लिए मुदाखलत करें। उन्होंने कहा कि भारत की नस्ल परस्त हुकूमत, जिसके हाथ बेगुनाह कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं, इख्तलाफ राय की हर आवाज़ को दबाने पर तुली हुई है। बदनामे ज़माना भारतीय तहकीकती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस एहलकारों के हमरा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकाम पर छापे मारे। कार्रवाइयों के दौरान जनूबी कश्मीर से 10 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल के दारुलहुकूमत खटमंडू में यूरेनियम रखने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 भारतीय भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस मवाद को गैरकानूनी तौर पर फरोख्त करने के लिए भारत से नेपाल लाया गया था। गिरफ्तार 2 भारतीयों की शनाख्त उपेंद्र कुमार मिश्रा और राजू ठाकुर के नाम से हुई है और ये रियासत बिहार के रहने वाले हैं। ये भारतीय बाशिंदे यूरेनियम को 35 करोड़ रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। भारत में रोहिंग्या खवातीन ने पनाह ली तो मोदी सरकार उनके भी दर पे हो गई। एक तरफ तो बेसरो सामानी में माशी अबतरी का शिकार पनाह गुजीन खवातीन पर जिंदगी तंग है तो दूसरी जानब उनको भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ये खवातीन किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, ये जानिए वकार हैदर की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में 8 करोड़ से जायद अफराद इस वक्त पनाह गुजीन है। दौलत की गैर मसावी तकसीम और जंगे इस हिजरत का बायस बनी है। भारत में भी कुछ तादाद में रोहिंग्या की मुसलमान खवातीन ने पनाह ली थी। एक तरफ उनकी मुआशी हालत अबतर है तो दूसरी तरफ उनको मुल्क से बेदखल करने का कहा जा रहा है। म्यांमार में जुल्म-ओ-सितम के सबब मुल्क छोड़ने पर मजबूर ये खवातीन भारत में शदीद मुश्किलात से दोचार हैं।
ये बेवाइम बच्चों समेत कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर्दी भूख से दो चार ये खवातीन कहती हैं, ऐसे हालात से तो बेहतर था अपने मुल्क में मौत को गले लगा लेती। अभी राशन पानी कुछ भी नहीं है, जो पहले मिला था वो सब कुछ खत्म हो गया, उसको देखो कपड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरी जाने पाकिस्तान है। गुज़श्ता बरस अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा मेजबान मुल्क करार दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 20 लाख तक पनाह गुज़ीन मौजूद हैं और पाकिस्तान गुज़श्ता 40 साल से ये मेजबानी कर रहा है। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनने वाली तालिबात को बाकी तालिबात से अलग एक क्लासरूम में बिठाया गया। एक तालिबा के रिश्तेदार ने बताया कि हिजाब पहनने वाली 20 तालिबात को बाकी तालिबात से अलग थलग रखा गया। तालिबात के वालदैन और रिश्तेदारों ने इस इकदाम की मजम्मत की और स्कूल के बाहर जमा हुए। ऐसे वाकयात पर बाज़ तालिबात ने इम्तहानात छोड़कर घर जाने को तरजीह दी। भारतीय रियासत कर्नाटक के बाद रियासत हिमाचल प्रदेश के तालीमी इदारों में भी मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बीजेपी की हुकूमत में कर्नाटक में जहां एक तरफ मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करकला में जीसस इंग्लिश मीडियम स्कूल के असातिज़ा और बच्चे मंत्रों के नारे लगाते रहे। स्कूल में हर रोज हनुमान चालीसा को हिंदू मजहब की नमाज के लिए पढ़ा जाता है। इस्लामी तआवुन तंजीम ने भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमानों के नस्ल कुशी के लिए हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तंजीम ने सोशल मीडिया पर मुसलमान खवातीन को हिरासा करने और तालिबात के हिजाब पर पाबंदी पर भी तशवीश जाहिर की है। तफसील इस रिपोर्ट में। इस्लामी तआवुन तंजीम ने भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तंजीम ने मुसलमान खवातीन को हिरासा करने और तालिबात के हिजाब पर पाबंदी पर भी तशवीश जाहिर की है। OIC ने आलमी बरादरी, खसूसी तौर पर अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक इदारों पर जोर दिया है कि इस हवाले से ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय की तरफ से जम्मू कश्मीर में हक के खुद इरादियत के हवाले से मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। अरुंधति राय ने एक हालिया इंटरव्यू में सवाल उठाया था कि आखिर कश्मीर क्यों भारत के साथ शामिल हों, उनकी शमूलियत से कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने खबरदार किया है कि जिस तरह से भारत कश्मीर में अकदार, उसूलों और आइनी वादों को पामाल कर रहा है, इससे बिलाखिर भारत खुद ही तबाह होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को तनाज़ कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से बात करना होगी। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी से कश्मीर की मुतनाज़े हैसियत खत्म नहीं हुई। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरी सहाफियों की फौरी रिहाई के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में 8वें इस्तंबुल प्रोसेस वर्चुअल इजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पॉलिसीज़ में अदम तवासुन, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और दीगर अवामिल आलमी सतह पर बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और तासुब का बायस हैं। सेक्शंस ऑफ मेनस्ट्रीम एंड सोशल मीडिया हैव विलिंगली और अनविटिंगली बिकम conveyor belts for prejudice, hate, discrimination and violence. While people of every faith have been victims of prejudice, hatred and discrimination, Muslims and Islam have borne the brunt of these menaces disproportionately. At the global level, the agreed norm of not associating terrorism with any religion, nationality or civilization needs to be codified. At the domestic level, an urgent review of laws, policies and practices which securitize and infringe upon rights of individuals or communities to manifest their religion or beliefs is vital. Like any other harmful and malicious act, we should unreservedly speak out against religious discrimination. खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कम उम्र की शादी करवाने वाले चाहे वालदैन हो या निकाह हुआ सब सजा के मुस्तहक हैं। हम सब पर लाजिम है कि कम उम्र की शादी के खिलाफ मुल्की कानून की पाबंदी करें और अपने इर्द गिर्द अगर ये जुर्म होते देखें तो फौरन पुलिस को इतला दें। याद रखिए अपनी बच्चियों के हाल और मुस्तकबिल को महफूज बनाना हम सब की ही जिम्मेदारी है। कानून का एहतराम मुनसिफ माशरे की बुनियाद। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्त पे माँ और बच्चे की सेहत पे रखी, इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिले भरोसा सहूलियत के हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब। सहूलत का नया दौर नेशनल सेविंग्स यूनियन पे डेबिट कार्ड, महाना मुनाफा अब आपके हाथ में। नेशनल सेविंग्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं, उसे अपनी महाना मुनाफा स्कीम से मुंसलिक करें और यूपीआई डेबिट कार्ड हासिल करके किसी भी एटीएम से रकम बआसानी निकलवाएं या शॉपिंग के लिए पीओएस पर इस्तेमाल करें। खबरनामे में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। अलहुदा और तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से इमदादी सामान तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले किया गया। तफसील से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अफगानिस्तान हुकूमत के साथ इमदाद का सिलसिला जारी है। अलहुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन और सेनेटर तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से अफगान भाइयों के लिए 12 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान तोरखाम सरहद पर अफगान हुकूमत के नुमाइंदे के हवाले किया गया। इमदादी सामान में अशियाए खुर्दनोश और गर्म मलबूसात शामिल है। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अफगानिस्तान के ऊपर से ये मुश्किल हालात जल्द खत्म करे और हम इसी तरह के इमदादी सामान लेकर और हमारी नेक ख्वाहिशात अपने भाइयों के साथ है। हमारी ख्वाहिश है कि मजीद इमदादी सामान जो है वो हम भिजवाएँ और इंशाल्लाह ताला ये मदद जो है इस मुश्किल वक्त में जो अफगान आवाम के साथ है पाकिस्तानी आवाम की मदद जो है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। अफगान हुकूमत के नुमाइंदे ने पाकिस्तान मुखय्यर इदारों की जानिब से तावुन का शुक्रिया अदा किया। हम पाकिस्तानी हुकूमत और अलहुदा फाउंडेशन की जानिब से इमदाद देने पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के आवाम के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने ये इनमें अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम ने मुश्किल की हर घड़ी में अफगान आवाम का साथ दिया है और मौजूद की फरामी इन सिलसिले की कड़ी है। उमर शिनवारी, पीटीवी न्यूज़, तोरखाम। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हजारों शहरियों ने अमरीका की जानिब से असासे बहाल ना करने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जंग जरा मुल्क के 9 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे फौरी तौर पर अफगानिस्तान को वापस किए जाएं। शर्का ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज थे। अफगानियों का एहतजाज अमरीकी सदर के उस फैसले के खिलाफ भी था जिसमें उन्होंने 3.5 अरब डॉलर्स 9/11 के मुतासरीन को देने का ऐलान किया था। शुरका का पुरअमन मार्च एक्सचेंज मार्केट सराय शहजादा से शुरू होकर अक्वामे मुत्तहिदा के दफ्तर पहुंचकर खत्म हुआ। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई से चीन के सफीर वांग जू ने काबुल में मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीन की तरफ से इमदाद की फराहमी और अफगान तलबा को आला तालीम के मौके की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। हामिद करजई ने उम्मीद जाहिर की कि चीन की यूनिवर्सिटीज में जेर तालीम अफगान तलबा अपनी तालीम पर वापस लौट सकेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस जंग नहीं चाहता, यूरोप के साथ सिक्योरिटी तनाजात को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। मॉस्को में जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम यूरोप में जंग नहीं चाहते, लेकिन ये बात जहन में रखना होगी कि नेटो में शमूलियत से एक मुल्क की सिक्योरिटी की कीमत दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी को ना चुकानी पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा कि सरबराहान मुमलकत के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि यूरोप में जंग न छिड़े। यूक्रेनी सरहद से रूसी फौज की वापसी मुस्बत इशारा है, हमें मजीद बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। क्रिमलिन तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने अमरीकी सदर की जानिब से यूक्रेन मामले पर बातचीत का खैर मकदम करते हुए कहा कि अमरीका की जानिब से बामकसद बातचीत का इंदिया एक मुस्बत पेशरफ्त है। मॉस्को में एक बयान में उनका कहना था कि मामले पर बातचीत पेचीदा होगी, ताहम दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा करना होगा। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करने की बात की थी।
روس اور بیلاروس کی افواج نے بیلاروس کے علاقوں گوروڈنو اور گومیل کے علاقوں میں مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا ہے۔ بیلاروس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کی زمینی افواج نے مختلف مہارتوں پر مشتمل مشق میں عملی مظاہرہ کیا۔ روس کی یوکرین کی سرحد کے قریب مشقوں کو یوکرین پر حملے کے لیے تیاری کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ یہ صرف معمول کی مشقیں ہیں اور وہ کسی قسم کے حملے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ شکریہ شفیق۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ دوران سماعت عدالت نے منال ریسٹورنٹ کے وکیل پر واضح کیا کہ عدالتی احکامات پر جو کچھ ہو چکا اس کی واپسی کے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ناظرین اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو فنکاروں کو رائلٹی دینے سے متعلق پالیسی پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین فیصل جاوید خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے بتایا کہ فنکاروں کو شروع میں ہی یکمشت ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ تمام میڈیا ہاؤسز میں رائلٹی دینے کا کوئی رواج نہیں۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ آئندہ اجلاس میں رائلٹی کی ادائیگی کے طریقہ کار سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے پی ٹی وی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کو متوازن کوریج فراہم کی جا رہی ہے۔ اجلاس کو فنکاروں کی فلاح و بہبود اور مالی امداد کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ کمیٹی کو وزارت اطلاعات کے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے کام کے طریقہ کار اور مینڈیٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مجلس قائمہ نے نجی ٹی وی کے اینکر اقرار الحسن اور ان کے ساتھیوں پر تشدد کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے بتایا کہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس واقعے میں ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور مزید انکوائری کی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ اخباری کارکنوں سے متعلق ٹریبیونل کے چیئرمین کا تقرر جلد کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا دورہ کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ میجر جنرل بابر افتخار کا خاندان جہلم کا فخر ہے۔ میجر اکرم شہید نشان حیدر کا نام کون نہیں جانتا۔ اس خاندان کی پاکستان سے لازوال محبت کی تاریخ ہے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ بلا امتیاز احتساب کا عمل حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بدعنوان سیاستدان بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل جانتے ہیں وسیم سجاد سے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ اپوزیشن میں شامل بدعنوان جماعتیں احتساب سے بچنے کے لیے سرگرم ہیں۔ آنے والے دنوں میں کرپٹ سیاستدانوں کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے چپڑاسی کو کروڑ پتی بنانے پر شہباز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب جب ان کے اوپر فرد جرم لگیں گی، احتساب کا پھندا ان کے اوپر تنگ ہوگا، تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گھسیٹ گھسیٹ کے تیتر کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا گھسیٹ گھسیٹ کے ایک دوسرے کو یہ کھانے کھلا رہے ہیں اپنے گھروں پہ۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت تحریک انصاف کو حکومت ملی اس وقت خزانہ خالی اور معیشت دیوالیہ ہو چکی تھی۔ حکومت کی جامع حکمت عملی کے باعث ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ ابھی تک کو تقریباً 550 ارب تو نیب ریکور کر چکی ہے۔ اب آپ کہیں گے 550 ارب کا عوام کو کیا فائدہ؟ یہ 400 ارب کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ چوتھا سال ہے ہمارا، اکانومی ہمیں بالکل بینک کرپٹ ملی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ 5.37 پہ آپ کی گروتھ ہے۔ آپ کے ملک کے فورن ریزرو ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں۔ 7 ارب پہ ملے تھے، آج 22 ارب پہ ہیں۔ ایکسپورٹ 20 ارب پہ ملی تھی، آج 30 ارب ہونے جا رہی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر شہباز گل نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے کے باعث کرنا پڑا۔ حکومت عام آدمی پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شہباز گل نے کہا کہ تحریک انصاف سیاسی، سماجی اور اخلاقی اقدار پر یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں کہ بر وقت اور سستے انصاف کی فراہمی سے عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد بڑھے گا۔ سوابی نئے وکلا کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ ہماری توجہ عوامی مسائل کے حل پر مرکوز ہے۔ سوابی کے وکلا کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے گرڈ اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ شاہ منصور میڈیکل کمپلیکس سوابی کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔
वफाकी काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी, जिसमें बरामदात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज होगी। मुशीर तिजारत अब्दुलरजाक दाऊद का कहना है कि रवा साल टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 21 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर तिजारत अब्दुलरजाक दाऊद ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों के 10 साल में टेक्सटाइल के शोबे में कोई तरक्की नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत के इकदामात की बदौलत टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामचन है। 10 साल तक बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं थी और अभी ग्रोथ आना शुरू हो गया है, और जहाँ हम लोगों ने 12 बिलियन, फिर हम लोगों ने इम्प्रूव होकर 15 हो गया पिछले साल, और इस साल जिसमें हम लोग है बाय 30th of June इजाफा होकर 21 तक जाएगा। हमारी डायरेक्शन सही है, अपैरल्स, होजरी, टावल्स और होम टेक्सटाइल्स बेहतर हो रहा है। मशीर तजारत ने कहा कि टेक्सटाइल के साथ दीगर मसनूआत की पैदावार और बरामदात के फरोग पर भी तवज्जो देना होगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज फिनोमिनल ग्रोथ जो इस वक्त हो रही है, इसको सस्टेनेबल करना है। वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम टेक्सटाइल्स एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। और कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं? सबसे बड़ा तो IT है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ग्रोथ है। फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब्दुल रजाक दाऊद ने कहा कि टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की तैयारी, मुकाबले की फजा, आलमी खरीदारों की सहूलत और सनत को तरक्की देने समेत दीगर इकदाम पर तवज्जो दी जाएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से एशियाई तरक्याती बैंक डायरेक्टर की सरबराही में वफद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत दरपेश चैलेंजेस के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। टैक्स नेट वसी करने, सिंगल विंडो ऑपरेशन के साथ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए महसूलत में इजाफे के लिए इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इकदाम को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की सरबराही में ई कॉमर्स के हवाले से डिजिटल पॉलिसी से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी ने IT के शोबे में दरपेश मसाइल, खुसूसन फ्रीलांस वर्कर्स और IT से मुतालिक तरसीलात ज़र से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क में IT सेक्टर की बरामदात में इजाफे समेत इस शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद से अमरीका में नामजद पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर दाखला ने सरदार मसूद खान को अमरीका में बतौर सफीर तैनाती पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शेख रशीद ने कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी हमारा बेहतरीन असासा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात देने के लिए वज़ारत दाखला आपके साथ भरपूर तआवुन करेगी। मावन खसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम कर्जा स्कीम के तहत नौजवानों में 33 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। लाहौर में मकामी ट्रैक्टर साज कंपनी के दफ्तर के दौरे के मौके पर उस्मान डार ने कहा कि स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 1000 ट्रैक्टर तकसीम करने पर कंपनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों को हुनरमंद बनाकर कौमी तरक्की के अमल में उनके किरदार को फाल किया जा सकता है। शहर लाहौर की बाहिम्मत खातून ने अज़्म हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। उरूज साबिर, ज़िंदगी की तलखियों और सख्तियों का डट कर मुकाबला करने के साथ साथ अपने बच्चों की किफालत का फ़र्ज़ बखूबी अदा कर रही हैं। तफसील बता रही हैं सिद्रा आसिम। हौसले बुलंद हों और हिम्मत जवां हो तो हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकते। ऐसी ही एक जीती जागती मिसाल उरूज साबिर की है, जिसने अपने मौशी हालात पर शिकवा शिकायत करने की बजाय उनके हल का सामान पैदा किया। कहने को तो ये सिंफे नाजुक है, मगर वो उबर पर गाड़ी ड्राइव करके अपना और अपने घर वालों की मौशी कफालत कर रही है। मेहनत करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, इसमें इज्जत नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाना, अपना खुद कमाएं, खुद घर का सिस्टम चलाएं, इसमें बहुत ज्यादा इज्जत है। दिलचस्प बात यह है कि रूस साबिर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से भी आगाह हैं और वह घरेलू अमूर की अंजाम दही के बाद आमदनी की गर्ज से लाहौर की शाहराओं पर ड्राइविंग करती दिखाई देती हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत वाह हिम्मत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। औरतों को चाहिए कि भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अगर उनके हालात नहीं अच्छे, मांगना गुनाह है,
मेहनत करना बहुत आसान है, अगर इसको देखा जाए तो ये मेहनत कर सकती है औरतें। अरूज साबिर का कहना है कि अगर इसे कर्ज हंसना दिया जाए तो वो अच्छी गाड़ी खरीद कर अपने खानदान वालों की मजीद बेहतर कफालत कर सकती हैं। अरूज वो सिन्फ आहन है जिसने वक्त और हालात की तलखियों से लड़कर जिंदगी की जंग जीती है। सिदरा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरतेहाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद और मौसम सर्द रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया कम से कम दर्जा हरारत लह -10, ज़ियारत -8, कालाम गोपिस -5, अस्तूर स्कर्दू -3, हुंजा कल्लात कोयटा -2, बारामूला पुलवामा अरतनाग दीर और बगरोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के अहम शहरों के रिकॉर्ड किया गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।